नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक स्पोर्टेनमेंट में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं सीरीज चला रहा हूँ कि सुबह कैसे उठें और अपने बॉडी को फिट कैसे रखें। तो आज के इस सीरीज के दूसरे पार्ट में, जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुबह कैसे उठ सकते हैं और किस तरीके से अपने आलस्य को दूर भगा सकते हैं और सुबह उठने की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ख़ास चीज़। वो ख़ास है कि आखिर उठने के बाद क्या करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठना तो इम्पॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। सुबह उठने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करें, जैसे एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को फिट रखें, अपने दोस्तों से मिलें, या म्यूज़िक करें, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो आप करना चाहते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आखिर सुबह आप उठना क्यों चाहते हैं, उठने के बाद आप करोगे क्या। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास सुबह उठने के लिए। अगर आपके पास सुबह उठने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आप सुबह नहीं उठेंगे, और सुबह उठेंगे भी नहीं और उठने के बाद उसे फॉलो भी नहीं करेंगे। हो सकता है एक दो दिन के लिए आप उठ भी जाएँ, जो कि मैंने पहले टिप्स में बताया आपको कि वो एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, अगर आप वो करते हैं तो सुबह श्योर उठेंगे, उठने की गारंटी है। लेकिन उठने की गारंटी के बाद अब दूसरा स्टेप आता है कि सुबह उठने के बाद करें क्या, राइट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सुबह उठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उठने के बाद आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हों। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टेड होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट से कि आप एक स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कॉलेज और घर के बाद, शायद दोस्तों से मिलना, बातें करना, अपने मन पसंद की बातें करना, अपने खास दोस्तों से बातें करना। उसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सुबह उठने के बाद इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आप मान लो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप वकील हो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आप जॉब होल्डर हो कुल मिला के, तो ऐसे में सुबह उठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने मनपसंद की चीज़ें करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आदमी दुखी कब होता है, या तो अपने घर में हो रही डिफरेंट अलग अलग तरह की परेशानियों से दुखी होता है, या फिर ऑफिस में हो रही या अपने जॉब प्रोफेशन में हो रही परेशानियों से दुखी होता है। तो इन दोनों दुखों को दूर करके आप अपने जीवन में खुशी तलाशना चाहते हो, और उसके लिए आप सुबह उठ के घर से बाहर निकलना चाहते हो, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, ये तलाशना होगा कि आपके लिए खुशी क्या प्रदान करता है। अब ये खुशी प्रदान करने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रदान कर सकती है, आइए उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं या एक स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा सुबह उठने के बाद, आप घर से बाहर निकलें और वैसी जगह पे जाएं जहां ना आपकी ऑफिस से रिश्ता है, ना आपके परिवार वालों से रिश्ता है। या दोस्तों, परिवार वालों से रिश्ता हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके साथ आपकी खास फ्रेंड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन ये वो जगह नहीं होगी जहाँ पर हर दिन उनसे मिलते हैं। यानी कि आपका घर नहीं होगा, आपका ऑफिस नहीं होगा। आपके घर और ऑफिस के बाहर अपनी लाइफ में एक नई दोस्ती बनाएं। अगर आपको स्पोर्ट्स करना पसंद है, मान लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, या हॉकी खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, या जिमनास्ट करना पसंद है, योगा करना पसंद है, तो आप ऐसे इस किसी ग्रुप से जुड़े हैं जो शौकिया खेलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, शौकिया खेलते हैं, उनसे जुड़ें। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, म्यूज़िक करना पसंद है, या कुछ ऐसी कलाकारी करना पसंद है जो स्पोर्ट्स तो नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नया दिखाता है, जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ पसंद है तो आप उससे जुड़ें। अगर ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं, यानी कि अपने मनपसंदीदा स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पसंदीदा चीज़ से जुड़ते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करने का करेगा सुबह उठने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने मन के पसंद की चीज़ करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अलार्म क्लॉक, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया टिप्स, अलार्म क्लॉक से उठने के बाद, अपने बॉडी को बेड से उठाने के बाद आप नई तकनीक शुरू करते हैं, अपना खेल शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करने की चाहत रखते हैं, लेकिन बोर कहाँ हो जाते हैं? बोर आप वहाँ हो जाते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होता। तो आपकी लाइफ में आप कुछ नया करें, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई उससे जुड़ें। अब इनसे जुड़ने के बाद आखिर क्या करेंगे? क्या ये इतना आसान है जुड़ना? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चीज़ें बड़ी आसानी से नहीं कर पाते। आपके मन में ये बात आती है कि मैं कैसे एक नए दोस्त से जुड़ूँ, एक नया ग्रुप कैसे बनाऊँ, तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि आप घर से निकलें, ऑफिस से निकले, दो जगह ऐसी हैं जहां आपको नहीं जाना है, नई तीसरी जगह जाना है। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं जब आप पहली बार किसी कॉलेज या स्कूल में गए थे, या आप पहली बार किसी ऑफिस में गए थे, कि आपके पास वहां कोई दोस्त थे? नहीं था ना कोई दोस्त। लेकिन जब आप उस ऑफिस में जाना शुरू करा आपने, या फिर आप उस कॉलेज या स्कूल में जाना शुरू करा आपने, तो आपके पास दोस्त बन गए, और उन दोस्तों की हेल्प से, उन लोगों से मिलने से आप नए दोस्त बना पाए। उसी तरीके से ये तीसरी जगह होगी जहां आप रोजाना जाना शुरू करेंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग होगी, सुबह की बात होगी, या फिर
वो कन्वीनियंट टाइम, टाइम की बात हम अलग करेंगे एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो किसी भी टाइम पे आप एक तीसरी जगह तलाश रहे हो जहाँ पे आप नए लोगों से मिलोगे, तो उसके लिए आपको दोस्ती करनी नहीं पड़ेगी, बनानी नहीं पड़ेगी, दोस्ती अपने आप ही हो जाएगी। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हों, चाहे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले हों, बस आपको उस ग्रुप में शामिल होना है। और अगर आपको लगता है इस ग्रुप में शामिल होने में भी आपको थोड़ी तकलीफ़ है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, हर लोगों से आप जल्दी बात नहीं करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको एफर्ट सिर्फ इतना डालना है कि आप उस नए ग्रुप के आसपास बैठें, आसपास जाके खड़े हों, आसपास जाके उनकी एक्टिविटीज़ को देखें। जब आप उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उनके आसपास खड़े रहेंगे, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस ग्रुप एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रोवर्ट होंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। वो आपके पास आने के बाद अपने आप ही आपसे बातें करेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, कैसे आए हो, क्या करना चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और इस तरह से आपकी दोस्ती बननी शुरू हो जाएगी। तो इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, अपने मन की चीज़ करें, यानी कि स्पोर्ट्स करें, एथलेटिक्स करें, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट करें, या म्यूज़िक करें, डांस एंड आर्ट करें, योगा करें, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके लिए किसी ग्रुप से जुड़ें, क्योंकि अकेला ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, थक जाएंगे, मन बोर हो जाएगा। जब आप ग्रुप में होंगे तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स या जो कोई भी आपके साथ होंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे उस चीज़ को करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि बॉडी मना करेगा, लेकिन दोस्त आपको मोटिवेट करेंगे। आप बचपन की बात याद रखें, सुबह में जब आप खेलने जाते थे, सुबह सुबह जब आप खेलने जाते थे पहले, तो सुबह खेलने के टाइम पे क्या आप कभी ये सोच के जाते थे कि हाँ, सुबह या शाम को जब आप स्कूल से लौटने के बाद खेलने जाते थे, जब आप बचपन के दिन थे, जब आप कॉलेज में नहीं थे, या फिर जब आप जॉब प्रोफेशन में नहीं थे, तब क्या कभी ये सोच के आप जाते थे खेलने कि आज मुझे खेलने जाना है? जी नहीं, वो एक ऑटोमेटिकली टाइम होती थी। दोस्तों की दोस्तों की चाहत अपने आप ही आपको फील्ड में खींच के ले जाती थी। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को अपने लाइफ में जोड़ेंगे, तो अपने आप ही दोस्तों की, यारों की चाहत अपने आप ही आपको खींच के फील्ड तक ले जाएगी, या ये उस स्थान तक लेके चली जाएगी जहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ नया कर पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक और टिप्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।